गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए। गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अभिनंदन दे रहा हूं। गुजरात में कांग्रेस ने महंगाई, किसान, बेरोजगार, पेपर फूटने वाले कई मुद्दों पे आवाज उठाई और चुनाव लड़ा। गुजरात के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने का मैंडेट दिया है, और पब्लिक जब मैंडेट देती है तब वही सही होता है। मैं आशा और विश्वास रखूंगा कि आने वाली सरकार इन मुद्दों पे काम करे और खरी उतरने का प्रयत्न करे। नहीं, जो रिकॉर्ड सभी ब्रेक किए वो हुआ ही है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो हुआ है। पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी जो तय करेगी बैठेंगे, उसमें जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा वो सब डिसीजन कांग्रेस पार्टी गुजरात की लेगी, और जल्द ही हम बैठ के उसके तारण पे आएंगे, निष्कर्ष पे आएंगे, और आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। ये हार होने से कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है, घर पकड़ने वाली नहीं। जो भी मुद्दे हमने उठाए थे, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, वो मुद्दों को सरकार सही तरह से उठाए, अपना शासन ठीक तरह से चलाए, और नहीं चलाएंगे तो जहां विपक्ष की, कांग्रेस की गुजरात में भूमिका है वो तो बराबर चलेगी।